अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग जब भी मैथ करने लगते हैं तो मैथ में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हमें लगता है कि फार्मूलाज याद करना, क्योंकि फार्मूलाज में हमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है, याद नहीं रहता कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पे लिखना था, या फिर मिक्स हो जाते हैं आपस में फार्मूलाज। तो लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं सोचते हैं कि जो फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो फार्मूलाज बने क्यों हैं, मतलब किस तरह फार्मूलाज बन गए हैं। तो आज मैं उसी क्यों का आपके पास जवाब लेके आ रही हूँ। एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको बता रही हूँ कि फार्मूला बना क्यों है। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक स्क्वायर। स्क्वायर का तो पता ही है, ऐसी एक शेप जिसमें जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हों। अब इसके बाद जो इसकी चार साइड्स हैं, मैं पहले एक साइड को लेती हूँ, इसकी कटिंग करती हूँ। एक साइड को मैंने नाम दिया ए का और दूसरी को बी का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने यहाँ पे दोनों को सेम साइड्स क्यों नहीं दी, यानी कि एक को छोटी साइड दी और एक को बड़ी, दोनों को सेम इज इक्वल भी तो दे सकती थी। लेकिन फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। अगर वहाँ पे एक ही वैल्यू होती तो मतलब कि वो सेम वैल्यूज़ थी और हम उनके लिए एक ही वैल्यू यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इसको एक को कम और एक को ज़्यादा दिया। अब इसी तरह मैं जो इसकी दूसरी साइड है उसको भी वैल्यू दे रही हूँ। सबको नाम देने के बाद अब मैंने यहाँ पे इनको आपस में ये मैंने इनको मिला दिया। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे पास चार ब्लॉक्स बन रहे हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक है ये ए और ए, यानी कि इसकी दो साइड्स हैं ए ए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड ब्लॉक जो है मेरे पास वो क्या है ए बी, तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिख रही हूँ ए बी। थर्ड ब्लॉक में भी क्या है ए और बी साइड्स हैं, तो ए और बी। और फोर्थ ब्लॉक में क्या है बी और बी, यानी कि बी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा रही हूँ, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखा हम लोगों ने कि ये किसके इक्वल आ गए, हमारे फॉर्मूला के इज इक्वल। तो इस तरह हमारे पास जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये इस तरह हमारे पास फार्मूला बना है। तो मेरा मकसद था कि आप लोगों को बताना कि फार्मूलाज बनते कैसे हैं, और हर फार्मूला के पीछे एक कोई ना कोई कहानी होती है, कोई जो फार्मूलाज हैं किसी ना किसी तरह बने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।